اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ سب کا ایمان سلامت رکھے اللہم آمین آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ پیکٹوں میں بھی کچھ رکھا ہوا ہے ضرور ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوں گے آپ یہ کیا چیزیں ہیں तो जनाब ये हम आपसे शेयर करते हैं जो हम गुल प्लाजा गए थे वहाँ पर हमने शॉपिंग की थी तो ये जो हमने वहाँ से जो चीज़ें परचेज़ की थी ख़रीदी थी वो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ही यूज़फुल चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ही मैंने दो बाउल लिए थे ये कि सूप के बाउल हैं या सूप पी सकते हैं या चाय वगैरह ठंडी करके अगर पीना चाहें बड़ी चीज़ में निकाल कर या दूध वगैरह ठंडा करना चाहें तो ये हम या दही जमाना चाहें तो ये प्याले बाउल मैंने दो प्याले ले लिए थे जो कि बहुत मुझे यूज़फुल लग रहे थे और अच्छे लग रहे थे अगर इसमें घर में जो दही जमाया जाता है वो भी इसमें जमा सकते हैं दही बना सकते हैं तो जी दो ये प्याले लिए थे मैंने वहाँ पर से और एक ये रेग लिया था ये जो पैन रेग है इस पर पैन रखा जाता है देगची या सालन की पतीलियाँ वगैरह गर्म गर्म इस पर रखी जाती हैं तो ये एक रेग लिया था मैंने वहाँ से और यहाँ पर ये छोटी छोटी प्यारियाँ आपको नज़र आ रही होंगी तो जनाब यो जो हमने शनाज़ अंजुम ब्लॉग्स जो अपना बनाया है चैनल खोला है तो आपसे जो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा तो जनाब ये हमने अपनी वीडियोज़ में जो हम कुकिंग दिखाते हैं उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बताने के लिए शो करने के लिए छह प्यारियाँ भी ली थी हमने तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी वहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारा सामान था तो हमें ये बहुत पसंद आई है उसमें छह प्यालियों का सेट था ये तो हमने ये छह प्यालियाँ ये ले ली हैं तो जनाब ये हुए हमारे बाउल जिसमें जो कि दही वगैरह जमा सकते हैं ये दो बाउल बहुत ही प्यारे अच्छे मजबूत अच्छे लग रहे थे कांच और ये छह प्याली हो गई हमारी तो ये हमने ली थी ताकि इंग्रेडिएंट्स शो कर सकें अपनी वीडियोस में हम जब कुकिंग चैनल जो कुकिंग जो दिखाते हैं अपनी वीडियोस में तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम दिखाते हैं तो इसमें शो कर सकें बहुत ही प्यारी लग रही थी हमें ये प्यारी रंग बिरंगी आप देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है तो जनाब ये भी हमने वहाँ से परचेज़ की थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी तो ये प्यालियाँ कलरफुल सी हमने ली थी ये भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह या जो सामान छोटे छोटे सामान दिखाने के लिए आपको शो करने के लिए अपने वीडियोस में जो चीज़ें हम दिखाते हैं उसके लिए हमने ये ले ली थी बहुत ही प्यारी कलरफुल लग रही थी हमें बहुत ही अच्छी लग रही थी तो हमने ये ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह और ये जो है 6 स्पून का हमने सेट लिया था जो कि ये भी कलरफुल था ऑरेंज कलर हमें अच्छा लग रहा था इसके अलावा भी और कलर थे हमने कहा भाई हमें 6 कलर अलग अलग देते हैं तो दुकानदार ने कहा नहीं भाई ये 6 स्पून का एक सेट आता है आपको एक ही कलर में लेना पड़ेगा तो हमने एक ही कलर में स्पून भी ले लिए थे और ये हमारी जो पैन ग्लोव्स होते हैं ये सेफ्टी के लिए होते हैं क्योंकि पैन के जो हैंडल गर्म हो जाते हैं तो इसको ये पकड़ कर हम साइड पर रख सकते हैं या उठा सकते हैं पैन को तो ये भी हमें बहुत ही यूज़फुल लगे तो हमने ये भी परचेज़ कर लिए थे और ये बहुत अच्छे लग रहे थे हमें ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और बच्चों के ऐसे लग रहे हैं जो परफेक्ट की तरह लग रहे हैं और ये खिलौना भी लग रहा है मगर ये बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है और यहाँ पर ये हमने नॉन स्टिक के लिए दो ये चमचे लिए थे कि सालन निकालने वाला चमचा लिया था इसकी ये लकड़ी का जो है ना हैंडल बने हुए थे ये बहुत अच्छे लगे मैं मजबूत भी लग रहे थे यूज़फुल कारामद लग रहे थे एक ही हमने पलटा लिया तो ये देखिए कलर भी इतना कितना प्यारा है पिंक सा बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर तो ये कलर हमें बहुत पसंद आ रहा था हमने ये भी परचेज कर लिया और ये देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है तो जनाब ये है ये कंघा नहीं है ना कॉम है ये है जो धनिया हम लोग हरा धनिया जो होता है सब धनिया तो दुकानदार ने कहा हम भी यही समझे ये कॉम है तो उसने कहा कि नहीं ये सब धनिया तोड़ने के लिए है ये तो ये भी बहुत यूज़फुल सा लग रहा था तो इसको मैं मेरी वीडियोस में आप ज़रूर देखेंगे कि इसको किस तरह की यूज़ किया जाता है और जनाब
और जी हमें ये एक जग बहुत पसंद आया था वहां पर, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। मैं माशाल्लाह ये भी हमें बहुत प्यारा लगा, और इसमें बहुत सारे कलर थे, तीन कलर थे इसमें, एक ग्रीन था, एक ऑरेंज था, एक शायद कोई और कलर था, मगर हमें ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगा। इसमें जूसेस वगैरह या फिर मेहमानों के सामने ठंडा पानी या जूस वगैरह डालकर आप रख सकते हैं, या घर के किसी भी मल्टीपर्पज़ है, घर में किसी भी काम में आप ले सकते हैं इसको। तो हमने ये भी परचेज कर लिया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जनाब इसमें ये लॉक भी लगा हुआ है, ये लॉक अगर हम खोलेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और ये में लॉक लगा तो इसको बंद कर दिया तो ये लॉक बंद भी, इसका लिड नहीं खुल रहा, और हम ये करेंगे तो ये खुल रहा। ये भी हमें बहुत अच्छा लगा था तो ये भी हमने परचेज कर लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने ले लिया था। और जनाब ये एक हमने नॉन स्टिक पैन लिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया था। एक बड़ी कढ़ाई हम पहले ला चुके थे तो इसकी जगह हम एक हैंडल वाला पैन लेकर आ गए थे, जो कि घर पर आके हमें पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो हम उसको चेंज करवा कर ये छोटी कढ़ाई नॉन स्टिक की हमने ले ली। किचन किंग्स वालों के लिए है ये भी, तो इसकी हमने ज़रा थोड़ी इसकी तारीफ सुनी थी तो हमने किचन किंग्स वालों की ली ली कुकिंग गेयर में। और ये एक बहुत ही प्यारी सी प्याली थी जो कि मैं बहुत प्यारी लग रही थी, ये भी इसकी भी सेल लगी हुई थी, ये या तो ये 100 या 150 के करीब थी एक प्याली और एक चमचा, तो ये भी हमने ले लिया। ये बहुत प्यारा लग रहा था, इसका सेट भी मिल रहा था, तो 6 प्यालियों का सेट भी था, मगर हमने इसको एक ही लिया। और ये एक सीज़र है, ये भी मल्टीपर्पज़ है, तो यहाँ पर ये नट्स वगैरह यहाँ पर रख के तोड़ सकते हैं, और यहाँ पर ये धनिया वगैरह ये जो कुकिंग के इस्तेमाल में आती है, जो कटिंग वटिंग जो होती है चीज़ों की, मिर्ची सब्जी मिर्ची हैं, धनिया वनिया, इससे कटिंग कर सकते हैं। और ये जो दाने दाने नज़र आ रहे हैं, तो हमने कहा ये किस चीज़ के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये नट्स वगैरह रख के इसको तोड़ सकते हैं, या अखरोट जो होता है ना, अखरोट यहाँ पर रखो और यहाँ तोड़ सकते हैं इसको, तो ये भी हमें अच्छी लगी हमने। और जनाब यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा सीलिंग फैन एंड मल्टीपर्पज़ डस्टर, तो पहले तो हम देख के हैरान थे कि क्या चीज़ है, तो फिर दुकानदार ने हमें बताया कि जो फ़ैन बहुत गंदे हो जाते हैं पंखे, उसके परों में डस्ट लग जाती है आगे और पीछे, वो साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये बहुत कारामद हमें लगा ये भी। तो ये मॉप था पंखे साफ़ करने के लिए, जो कि पंखे के परों में इसको मॉप को फंसा के आगे पीछे करके बहुत अच्छी सी ये सफाई कर देता है। तो जब उसने संभल करके हमें बताया कि इसकी रॉडें मेटल की बनी हुई है, तो उसको संभल करके हम अभी मैं आपको यूज़ करने का तरीका भी बताऊंगी इसका। तो एक हमने ये भी लिया था, ये डोर मेट हमने लिया था, तो ये भी हमें अच्छा लग रहा था। तो और माशाल्लाह माशाल्लाह ये तो बहुत ही मेरे लिए यूज़फुल चीज़ थी, जो कि बहुत दिनों से ढूंढ रही थी कि मुझे एक ऐसी ट्रॉली मिल जाए जो मैं अपने पलंग के सरहाने रख सकूँ, और इसमें जो मैं अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं मेरे काम की वो मैं रख सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुझे मिल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे इतनी यूज़फुल लगी कि ये तो फ़ौरन मैंने देखते के साथ ही ले ली, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर ये मैं अपने पलंग, ये मेरा पलंग होता है तो ये मैं अपने पलंग पर जब सोती हूँ तो ये मैं अपने सरहाने रख लेती हूँ, तो ये मेरी तस्वीर में रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसमें व्हील भी लगे हुए, ये देखिए हर जगह सेट हो सकता है, अगर आप इसको यूज़ कर लें या इसको फिर मेहमानों के सामने ट्रॉली के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं इसको, मगर ये मल्टीपर्पज़ है। तो ये मैंने अपने लिए ये भी एक परचेज की थी, इसमें मैंने अपनी पंचसूरा कुरान पाक भी रख लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तस्बीह वगैरह मेरी रखी हुई है, ये इतर है जो मेरी बहुत काम की जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा के, वो इसमें आराम से सेट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मुझे बहुत ही यूज़फुल लगी, और इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं।
जी ये मॉप को मैं यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ। मॉप के ये बीच में एक सुराग दिया हुआ है जो कि परों के बीच में चला जाता है और ये इजीली पंखे साफ़ करता है। ये चार पांच रोडें हैं जो कि संभल करके बड़ी सी एक स्टिक सी बन जाती हैं और ये मेटल की रोडें हैं और ये अलमदुल्ला दीवारें भी साफ़ करता है, कोने से जाले वगैरह मल्टीपर्पज़ है, फ्लोर भी साफ़ करता है और ये पंखे भी इस तरीके से इसके अंदर फंसा कर सुराख के अंदर ये आगे पीछे से पंखे के पर अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं और ये ऊपर नीचे से अच्छी तरह बहुत क्लीनली डीपली सफाई कर देता है। मैडमीन ये थी हमारी शॉपिंग जो कि हमने गुल प्लाज़ा और सेंट्रल मॉल से की थी। तो ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन जो घंटी का बटन नज़र आ रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम।